नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, अब हो जाइए तैयार, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है शुरू होने जा रही है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या क्या प्रस्तावना रहेगा, किस किस तरह से पूरा टाइम टेबल वाइज आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो वो पूरा आप आज के इस वीडियो में देखेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, तो पूरे तैयार हो जाइए दोस्तों। तो पूरा वीडियो में आपको एक एक जानकारी, छोटी छोटी जानकारी मिलेगी, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, नए अभियान की शुरुआत, विकसित भारत संकल्प अभियान। ठीक है, तो दोस्तों इसकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, विकसित भारत संकल्प .gov.in है, vikesitbharatsankalp.gov.in, विकसित भारत संकल्प .gov.in। तो इस ये वेबसाइट है, इस पर आप और भी डिटेल दे सकते हैं, और भी मैं इसके बारे में एक एक करके बताते रहूँगा किस तरह से हमें क्या क्या कार्य करना है, इस पर किस तरह से संकल्प प्लेज लेना है, कई सारी चीज़ें हैं तो बताते रहूँगा। अभी आपको आदेश दिखा देता हूँ, इसके बारे में संक्षिप्त आपको बता देता हूँ, विस्तृत बता देता हूँ किस तरह से क्या क्या योजना रहेगी पूरी, और ये जो है विकसित संकल्प यात्रा, भारत यात्रा किस तरह से होगी पूरा हम देखते हैं। तो मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है लेटर दिखाऊंगा, अभी मध्य प्रदेश शासन का भी दिखा रहा हूँ, ये प्रत्येक राज्य में होगी। ठीक है, इसलिए प्रत्येक राज्य के लिए मैं दिखाऊंगा भारत सरकार का पत्र क्रमांक भी। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, दिनांक 8/12/2023 को ही निकला है। प्रति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन समस्त विभाग मंत्रालय भोपाल, समस्त संभाग आयुक्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत मध्य प्रदेश। विषय है प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के संबंध में। पूरी यात्रा का नाम क्या रहेगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, तो प्रस्तावना इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये पूरी यात्रा क्या है। तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इस हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन राज्य सरकार की सहभागिता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की सुविधाएं, आवश्यक वित्त पोषण सेवाएं, LPG कनेक्शन, गरीबों के लिए आवास सुविधाएं, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी प्रमुख योजनाओं मिशन के माध्यम से संतृप्ति के लिए सभी लक्षित और पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक सेवाएं सुलभ बनाना आवश्यक है। इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित कराना होगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम से भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, उद्देश्य क्या है विकसित भारत संकल्प यात्रा के, उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, वंचित व्यक्ति तक पहुंचना, रीचिंग द अनरीच्ड। शासन यह सुनिश्चित कराए कि प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों, खासतौर से वंचित व आकांक्षी लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। सूचना प्रसार, डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जन सामान्य में योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं जागरूकता पैदा करना, वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना, जिनको नहीं मिल पाती है सुविधा उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना। नागरिकों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, लाभार्थियों के व्यक्तिगत कहानियों अनुभव साझा करने के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना। संभावित लाभार्थियों का नामांकन चयन, एनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज, यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदन जानकारी के आधार पर संभावित लाभार्थियों का नामांकन और चयन करना। यात्रा कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा ये देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो जो पूरी संकल्प यात्रा में होने जा रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में। तो यात्रा कार्यक्रम का स्वरूप होगा, यात्रा की समय अवधि रहेगी, प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रारंभ होने की तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी, मतलब 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, प्रारंभ कब होगी वो भी सूचना दे दी जाएगी। IEC वैन रहेगी, भारत सरकार द्वारा इस यात्रा हेतु सभी जिलों को IEC वैन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें सब जानकारी रहेगी प्रचार प्रसार की सारी योजनाओं की। इन IEC वैनों को सभी नगरीय निकाय UELV
एवं ग्राम पंचायत में ले जाया जाएगा और प्रत्येक निकाय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आईईसी वैन में उपलब्ध ऑडियो विजुअल एड ब्रोशर पंपलेट बुकलेट आदि के माध्यम सूचना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिले को प्रदाय की जा रही आईईसी वैन की संख्या की जानकारी परिशिष्ट वन पर है। अब यात्रा का रूट चार्ट एवं कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, तो जिले को आवंटित आईईसी वैन की संख्या के आधार पर जिले का रूट चार्ट इस तरह तैयार किया जाए कि आईईसी वैन प्रत्येक पंचायत का भ्रमण करे। एक वैन के माध्यम से प्रति सप्ताह कम से कम 14 कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, प्रति पंचायत एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रत्येक वाहन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। यात्रा अवधि को दृष्टिगत तिथिवार वाहन नोडल अधिकारी भी बनाए जा सकेंगे। अब नगरी या शहरी क्षेत्र में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जावे जिसमें पिछड़ी कम आय वर्ग स्लम्स एरिया एवं सघन शहरी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावे। बड़े नगरी क्षेत्रों में एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पृथक से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजन के एक सप्ताह पूर्व से व्यापक प्रचार प्रसार एवं कार्यक्रम आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जावे। जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जावे। माननीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता अनिवार्य रूप से कराई जावे। प्रयास यह होना चाहिए कि कम से कम 5% जनता की भागीदारी इन कार्यक्रमों में अवश्य हो। आईईसीवीएन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पूर्व संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार, हितग्राहियों के आवेदन, हितग्राही चयन, आवेदनों का निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। आईईसीवीएन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर निम्नानुसार क्रम में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहला रहेगा स्वागत, दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश, तीसरा सी रहेगा संकल्प वीडियो विकसित भारत का प्रदर्शन, फिर फिल्म का प्रदर्शन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, लाभार्थियों की व्यक्तिगत कहानियों उल्लेख अनुभव साझा करने के माध्यम शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार, फिर रहेगा तकनीकी सत्र, ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत तकनीक आदि की जानकारी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत, SSG FPO स्कूल छात्र स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रम स्थल पर प्रश्नोत्तरी, विजेताओं को पुरस्कार सम्मान, सम्मान एवं हितग्राही लाभ वितरण, विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले महिला एवं पुरुष का सम्मान, योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ वितरण। फिर एक कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए जिसमें सामान्य जांच सुविधा उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के आवेदन भी कार्यक्रम स्थल पर लिए जाने हैं। इस हेतु स्थानीय गैस एजेंसियों गैस कंपनियों से समन्वय किया जावे। ऐसे किसान, पशुपालक, मछुआरे जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके आवेदन लेने की कार्रवाई की जाए। इस हेतु बैंकों से समन्वय किया जाए। आधार कार्ड में जानकारी अपडेशन के लिए भी शिविर इस कार्यक्रम के दौरान लगाया जा सकता है। जिला स्त्री क्रियान्वयन समिति अन्य ऐसी कोई सुविधा जिला विशेष की परिस्थितियों को देखकर कर सकते हैं जो ऐसे कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को उपलब्ध हो। IT पोर्टल एवं ऐप, भारत सरकार द्वारा यात्रा की प्रगति के लिए एक IT पोर्टल और एक ऐप विकसित किया गया है जिस पर प्रतिदिन कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत प्रभारी अधिकारी द्वारा IT पोर्टल ऐप पर यात्रा से संबंधित दैनिक प्रगति, फोटो, वीडियो आदि को अपलोड अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जैसे अभी जो मैंने बताया आपको विकसित भारत संकल्प .gov.in है, इस पर रहेगा। और भी यदि कोई सा ऐप या पोर्टल आता है तो मैं आपको बता दूंगा, तो इस पर अपलोड करना अनिवार्य रूप से जरूरी रहेगा। क्रियान्वयन किस तरह से होगा, केंद्र एवं राज्य सरकार की व्यवस्थाएं। केंद्रीय स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि एवं कल्याण विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों हेतु नोडल अधिकारी नोडल विभाग बनाया गया है एवं नगरीय क्षेत्र हेतु नगरीय प्रशासन विभाग एवं सूचना एवं प्रसारण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राज्य स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु आयुक्त किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत नोडल अधिकारी होंगे। नगरीय निकाय हेतु संबंधित निकाय के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति किस तरह से होगी। कलेक्टर रहेंगे अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO, जिला पंचायत रहेंगे सदस्य और सचिव, विकास विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य रहेंगे, भारत सरकार के अधीन संस्था विभाग के दो नामित सदस्य रहेंगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त सदस्य रहेंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त CEO जनपद पंचायत सदस्य रहेंगे, कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य सदस्य रहेंगे। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा संपूर्ण जिले के लिए IEC वैन का तिथिवार पंचायतवार रूट चार्ट एवं कार्यक्रम निर्धारण किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय नगरी निकाय समिति ग्राम पंचायत समिति से समन्वय कर कार्यक्रम को आयोजित कराना, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग प्रचार प्रसार समन्वय रिपोर्टिंग आदि करना। इसके बाद नगरी निकाय स्तर की समिति किस तरह से होगी। कलेक्टर नगर निगम नगर पालिका हेतु, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगर परिषद हेतु अध्यक्ष रहेंगे, आयुक्त नगर पालिका निगम
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद हेतु सदस्य सचिव रहेंगे, विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य रहेंगे, कलेक्टर अनु अधिकारी जो है राजस्व आयुक्त नगर पालिका द्वारा नामांकित अन्य सदस्य सदस्य रहेंगे। इस समिति के द्वारा नगरीय क्षेत्र के लिए ICBN का तिथिवार रूट चार्ट एवं कार्यक्रम निर्धारण कर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति से अनुमोदन लिया जाएगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा विकासखंड स्तरीय समिति से समन्वय कर कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग, प्रचार प्रसार, समन्वय, रिपोर्टिंग आदि का कार्य नगरीय निकाय समिति के द्वारा किया जाएगा। अब जनपद पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति कैसे रहेगी? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो रहेंगे SDM साहब वो रहेंगे अध्यक्ष, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी CEO जनपद पंचायत रहेंगे सदस्य और सचिव, विकास विभाग खंड स्तरीय अधिकारी रहेंगे सदस्य, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी SDM राजस्व द्वारा नामांकित अन्य सदस्य भी सदस्य रहेंगे। ग्राम पंचायत समिति किस तरह से रहेगी? सरपंच संबंधित ग्राम पंचायत के जो रहेंगे वो अध्यक्ष रहेंगे, सचिव संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य और सचिव रहेंगे, विकास विभाग के समस्त पंचायत स्तरीय अधिकारी रहेंगे सदस्य। ठीक है, इस तरह से सारी जगह की समिति रहेंगी। नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत समिति के द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करना, प्रचार प्रसार, जन जागरूकता करना, विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराना, आवेदन पर हितलाभ करना, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार, समन्वय, रिपोर्टिंग आदि करना, संबंधित समितियों के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी किए जा सकेंगे। अन्य विभागों की सहभागिता, अन्य विभागों की सहभागिता किस तरह से रहेगी? राज्य शासन के अन्य विभाग उक्त योजनाओं के साथ साथ शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस हेतु संबंधित विभाग नगरीय ग्रामीण गतिविधियों को चिन्हित कर जिला कार्यक्रम में सम्मिलित कराएंगे। कार्यक्रम स्थल पर निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। यात्रा वैन से के चयनित स्थानों में उक्तानुसार आयोजनों में मुख्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी निर्दिष्ट विभागों के द्वारा अपने अपने स्तर से अलग अलग लाभार्थियों आमजन की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इन कार्यक्रमों में निम्न विवरण के अनुसार प्रकार के स्टॉल भी लगवाए जाएंगे। कौन कौन से? तो पहला जैसे रहेगा पेंशन योजनाओं का स्टॉल। इसके अंतर्गत पेंशन तथा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन आदि संबंधित समस्त विभाग एक स्टॉल पर संयुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे और आम जनमानस की शंकाओं का निवारण कर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। दूसरा रहेगा स्वास्थ्य मेला। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधित समस्त इकाइयों द्वारा एक स्टॉल पर उपस्थित रहकर वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी एवं विशेष रूप से टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान भारत कार्ड आदि कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। फिर है कृषि से संबंधित स्टॉल। इसके अंतर्गत कृषि एवं कृषि संबंधित अन्य समस्त युवाओं के साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, उर्वरक, बीज, पेस्टिसाइड विक्रेताओं आदि का संकलित रूप से स्टॉल लगाया जाएगा, जहां से कृषकों को समन्वित रूप से कृषक हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी एक मंच से प्राप्त हो सकेगी। स्टॉल के माध्यम से इच्छुक कृषकों को योजना से लाभान्वित किए जाने के निम्नानुसार कार्रवाई हेतु उनके आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद रहेगा स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल। SHG ग्रुप के स्टॉल रहेंगे। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं सरकारी विभागों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को देय लाभ के बारे में प्रचार प्रसार एवं जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर है बैंकिंग क्षेत्र का स्टॉल। इसके अंतर्गत अग्रणी जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक द्वारा समन्वित रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनलाइज्ड बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों का स्टॉल लगाते हुए कृषकों एवं आम जनमानस की बैंक से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस पर जनसेवा केंद्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, फिर आदिवासी विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकलव्य स्कूल आदि की जानकारी प्रदर्शन किया जाएगा। इतने स्टॉल लगेंगे। इस यात्रा में शामिल विभागों के द्वारा अपने स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे तथा मॉनिटरिंग समीक्षा की जाएगी, जिसकी समीक्षा राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। इसके बाद आता है भारत सरकार के उपक्रम संस्थाएं। भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं संबंधित भारत सरकार के उपक्रम संस्थाओं के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहभागिता की जाएगी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। यात्रा हेतु अब मेन चीज़ है फोकस या चयनित योजनाएं। मेन योजनाएं कौन सी रहेंगी? चयनित योजनाएं फोकस वाली। तो अभियान में भारत सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं को अभियान में सम्मिलित किया गया है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित अभियान में सम्मिलित योजनाएं कौन कौन सी रहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में? तो पहला है आयुष्मान भारत, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड की आयुष्मान भारत योजना। दूसरा है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तीसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, PM आवास योजना ग्रामीण, PM उज्ज्वला योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना।
किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल, जल जीवन मिशन, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो उर्वरक का उपयोग, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत कृषि यंत्र। ये ग्रामीण का देख लिया, आप शहरी क्षेत्र का देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में आयोजित अभियान में सम्मिलित योजना है पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएमजेएवाई, पीएम आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, उज्ज्वला योजना, अमृत योजना, पीएम जन औषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल भुगतान अधोसंरचना, खेलो इंडिया, आरसीएस उड़ान योजना, वंदे भारत ट्रेनें और अमृत भारत स्टेशन योजना। इतनी रहेंगी। फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, तो ये ध्यान से देख लीजिए। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में एक आईटी प्लेटफॉर्म, वेब आधारित पोर्टल जो है, जो अभी हमने देखा, विकसित भारत संकल्प .gov.in, यही जो मैंने आपको बताया विकसित भारत संकल्प .gov.in, ये रहेगा, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तर पर लॉगिन बेस्ड यूजर बनाया गया है। लॉगिन करके जो है यूजर बनाए गए हैं, लॉगिन करना पड़ेगा। पोर्टल से तिथिवार आयोजन, संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन, वैन के रूट चार्ट, आयोजित हेतु निर्धारित गतिविधियों के अपलोड करने, उनके अनुसरण के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो इसमें डिटेल में जो आएगा मैं आपको बताते रहूंगा, लॉगिन के बाद भी, ओपन पे बताते रहूंगा, ओपन पोर्टल भी, लॉगिन के बाद भी, तो सभी चीज़ें हम देखते रहेंगे। पोर्टल पर लॉगिन एवं पासवर्ड भारत सरकार द्वारा जिला अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। पोर्टल के उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जिला अधिकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर द्वारा पोर्टल हेतु जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा जिले एवं अधीनस्थ पोर्टल में जानकारी अपलोड करने हेतु नियुक्त अधिकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोर्टल पर यात्रा का रूट चार्ट एवं तिथिवार कार्यक्रम पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों, गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, वीडियो, प्रगति को प्रतिदिन अपलोड करना होगा। मतलब इस पोर्टल पर सारे कार्य होंगे। भारत सरकार एवं पीएमओ द्वारा इस यात्रा की मॉनिटरिंग, समीक्षा पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी आधारित की जाएगी। अतः पोर्टल पर जानकारी अनिवार्यता अपलोड की जानी है। वित्तीय व्यवस्था किस तरह से होगी, मतलब पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, तो इस यात्रा के आयोजन हेतु यथा आवश्यक धनराशि व्यवस्था कलेक्टर द्वारा जिला, जनपद एवं नगरी निकाय स्तर पर उपलब्ध स्रोतों से की जाएगी। ठीक है। उप सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है। अब दोस्तों मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लेटर आपको दिखा लेता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रत्येक स्टेट के लिए सब्जेक्ट, लॉन्च ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा, डेटेड 11/12/2023। दिस हैज़ रिफरेंस टू लेटर डेट 4/12/2023 रिगार्डिंग द विकसित भारत संकल्प यात्रा टू बी लॉन्च इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम। ये स्टेट में दिखाई जा रही हैं। ठीक है, चलेंगे ये यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द यात्रा विल बी फ्लैग्ड ऑफ टेंटेटिवली फ्रॉम 16 December 2023 इन दिस स्टेट। 16 December 2023 से लगभग चालू की जाएंगी। You are kindly requested to ensure the following in this regard: appointment of state and district nodal officers and creation of login ID on VBSY. ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो पोर्टल है, इस पर पोर्टल ये पूरा है विकसित भारत संकल्प .gov.in पर लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया जाए। एलोकेशन ऑफ वैंस, द ओवरऑल स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट प्रिपरेशन ऑफ रूट चार्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 week स्टार्टिंग फ्रॉम 16/12/2023 4 noon मे बी अंडरटेकन ऑन प्रायोरिटी। Constitution of committees and preparations relating to the activities which are to be completed before the arrival of the van. A checklist of the state roles and responsibilities at the state, district and gram panchayat level are enclosed for kind perusal. District pravaris designated have also been advised to visit their districts and take a review meeting with their district nodal officers, district committee to review the preparation for the yatra. ठीक है, इस तरह से ये जो है भारत सरकार का भी आदेश निकाला जा चुका है। सो स्टेट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दी हुई है। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द यात्रा इन द स्टेट टू डेजिनेटेड स्टेट नोडल ऑफिसर एंड नोडल डिपार्टमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेवल एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी
एंड स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी एज पार्ट ऑफ कोर टीम टू इश्यू एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड ओरिएंटेशन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम कलेक्टर एंड इंश्योर ऑल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट आर इन प्लेस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑन रेगुलर बेसिस। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दिया गया है, आप देख सकते हैं, और ग्राम पंचायत लेवल पर भी दिया हुआ है किस तरह से ग्राम पंचायत टू लीड सब चीज़ें करना है, नोडल ऑफिसर पर द ग्राम पंचायत टू रिव्यू, ठीक है, सब चीज़ें जो अभी हमने देखी वही इसकी पूरी जानकारी यहाँ भी दी हुई है किस तरह से पूरी एक एक चीज़ें क्रम से करना है। तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, इसी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा का डिस्ट्रिक्ट प्रभारी ऑफिसर्स के लिए भी लिखा हुआ है, तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, मेन है विकसित भारत संकल्प .gov.in जो वेबसाइट है इस पर पूरा कार्य होना है। मैं एक बार ये भी स्क्रॉल कर देता हूँ आपको, हमने जो चीज़ देखी अभी सेम वही है किस किस तरह से करना है वो सारे कार्य हैं, और भी जैसे जैसे अपडेशन आता है तो मैं आपको और बताते रहूँगा किस तरह से पोर्टल पर भी सारे कार्य करना है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं, चेकलिस्ट भी रहेगी वैन की, इस तरह से चेकलिस्ट रहेगी, चेकलिस्ट ऑफ वैन रहेगी पर्टिकुलर, जैसे ब्रांडिंग बाद QR कोड यस या नो, मास्टर ऑफ सेरेमनी है कि नहीं, ये सब चीज़ें रहेगी, फ्लड लाइट है कि नहीं यस या नो, जैसे पूरी चेकलिस्ट रहेगी, एक्टिविटी चेकलिस्ट भी रहेगी पूरी यहाँ पर कि रिकॉर्डेड मैसेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्लेट हुआ है या नहीं, ये सब चीज़ें इस तरह से रहेंगी, ठीक है। तो ये पूरा है दोस्तों, पूरा जानकारी, इसकी विस्तृत जानकारी आज हमने देख ली, ठीक है। तो इस तरह से पूरी विस्तृत जानकारी है, और भी पोर्टल पर जिस तरह से कार्य करना होगा मैं आपको बताते रहूँगा। तो तैयार हो जाइए नया अभियान, नई संकल्प यात्रा के लिए। तो इसी तरह और भी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।